अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है कैरेमल खीर की, जो के बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट इस तरीके से हैं। 1 कप बासमती राइस है, जिसको हमने 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप भिगा लें। 1.25 कप चीनी है, 1/2 कप कंडेंस मिल्क है, 1 मुट्ठी काजू है, जिसको हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है आगे जाके। 1 पिंच ज़ाफ़रान है, इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून, चीनी है 3 टेबल स्पून है, जो कि हम कैरमल बनाएंगे। कैरमल के लिए ही मिल्क है, और बादाम पिस्ते और काजू गार्निशिंग के लिए है। 2 लीटर हमारे पास फुल फैट मिल्क है। चावल को हमने 1 घंटा पहले सोक कर लिया था। अब ब्लेंडर के जग में हम पूरे चावल डाल देंगे और इसको मोटा मोटा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालें और अपना मिल्क डाल दें। ऐसा करने से नीचे मिल्क लगता नहीं है। दूध में जोश आने का इंतज़ार करेंगे। बेसिकली हमें इसको रिड्यूस करना है, और साइड से जो मलाई आती जाएगी उसको हमें खुरचते जाना है या स्क्रैप करते जाना है। दूध हमारा जोश पे आ गया है, तो अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल को डालने के बाद इसे मुस्तकिल हिलाना है चावल पके तक, और आप इसको साइडों से पूरा इस तरीके से निकालते जाएं, जो भी साइडों में दूध जम रहा है। अब हमारा जो मिल्क है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, तो अब हम इसमें जो हमने काजू भिगाए थे उसमें दूध मिला के उसका पेस्ट बनाया है वो मिलाएंगे। उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब हमारे खीर के चावल भी बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और काजू का पेस्ट डालने से भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है, ये देखें आप। अब हम इसमें अपनी चीनी शामिल करेंगे। चीनी पहले शामिल इसलिए नहीं करना था कि चावल आपके सही तरीके से फिर गलते नहीं हैं। अब हम इसमें अपनी चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करते ही थोड़ी सी पतला हो जाएगा, उसके कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएगा फिर आगे जाके। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और रंग आएगा। इसके बाद हम अपना कैरेमल तैयार करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब हम इसमें कटे हुए काजू बादाम ऐड कर देंगे और पिस्ते। अब हमारी ये रबड़ी स्टाइल की खीर तैयार हो गई है। अब हम कैरेमल तैयार करेंगे इसका। ये देखें, हमारी खीर इस कंसिस्टेंसी में आ जानी चाहिए। कैरेमल को थोड़ा डार्क साइड पे ही बनाना है हमें, अभी थोड़ा सा और होना है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विडी कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको लिक्विडी बना लेंगे।
अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब हम खीर को अपनी बादाम पिस्ते से अच्छी तरीके से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार कैरेमल रबड़ी खीर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।